Welcome to my YouTube channel Study Shiv with Pratito, and in today's video we are back with our another part of the series of this class 12 political science, in which we are going to talk about that if you are going to prepare for it, to ab aapka next step kya hona chahiye. After 1 week plan, now we need to be more practical about the thing. Kya kya aap sources use karne wale ho apne preparation ke liye. Here, let's get started with this one. Lekin usse pehle description box mein telegram link milega aapko. Students aap wahan pe ja kar ke material access kar sakte ho. I'll be sharing the material there. And here, let's go ahead. लास्ट टाइम प्रिपरेशन सबसे ज्यादा दिमाग खराब इस चीज में होता है, जो मुझे लगता है कि सोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो लगता है कि यार कि हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीटली बुक्स करो या फिर नोट्स करो, क्या करना चाहिए. सो आई केम अप विद अ प्रेटी गुड सॉल्यूशन हियर अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर मेरली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने वाले हो, बिकॉज एक चीज बता देती हूँ, एनसीईआरटी को समझना सबके बस की बात नहीं होती है. मैं कॉन्टेंट की बात नहीं कर रही हूँ, शायद आप कॉन्टेंट समझ जाएंगे, चैप्टर समझ पाएंगे, बट आप हर बार एनसीईआरटी को देखेंगे. ये चीज मैं ऑलमोस्ट हजार बार बोल चुकी हूँ अपने ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में कि उसमें कुछ अलग होता है, तो वो इनसाइट लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता. दिस इज वाई वी रिक्वायर क्वेश्चन बैंक. ठीक है, तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी का आप यूज कीजिए. जो एनसीईआरटी में आपके पिक्चर्स है ना पॉलिटिकल साइंस में, चैप्टर 1 से लेके 7 तक सारे जो पिक्चर्स हैं उनके नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है एक बार वो पढ़ लीजिए. अगर मान लीजिए कि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट पे दिया हुआ है कोई कार्टून, तो कोलिशन गवर्नमेंट में कौन सा कैरेक्टर कौन बना हुआ है, कौन नेहरू बना हुआ है, कौन जो है वो चौधरी चरण सिंह बताए गए हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, तो वो आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा. ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको एनसीईआरटी में ही बेटर तरीके से मिलेगी, तो सिर्फ इस कार्टून स्टडी करने के लिए मैं बोलूंगी गो फॉर द एनसीईआरटी, दैट्स इट. ओके, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स देख सकते हो. अब एक बात स्टूडेंट्स बता देती हूँ, नोट्स आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखिए. जैसे कि आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड नोट्स ऑन माय वेबसाइट, आप वो देख सकते हो, क्योंकि हम लोग नोट समथिंग वी आर मेकिंग सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, तो हमारे नोट्स बहुत ज्यादा प्रिसाइज है और आपको काफी अच्छे से मिल जाएगा उसमें हर टॉपिक का जिस्ट. ठीक है, बिसाइड दिस इफ यू वांट टू रेफर एनी अदर नोट्स गो, बट जिसके भी नोट्स रेफर करो एक ही करना, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन के फिर सारे नोट्स रेफर करो. ये नहीं आपने इस चैप्टर के लिए इसके लिए देख लिया इस चैप्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो एक के किसी के भी करो. आप studyshivpratito.com पे जाके भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन चेक समथिंग एल्स. अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई शेयर द नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, अब यूट्यूब का काम ये है, अब नोट्स भी पढ़ लिए, अब नहीं आ रहा है समझ में ये टॉपिक क्या है, ये मूवमेंट कौन से हुए थे, कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी थी, किसकी बनी थी, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है, प्लानिंग 5-year plans क्या है, नीति आयोग क्या है, और नीति आयोग में एंड फिर बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस हो जाता है, एंड सो ऑन. उसके लिए आप वीडियोज देखिए, वीडियोज में, क्योंकि आपको कम समय में, ठीक है, मैक्सिमम 10-15 मिनट्स में, क्योंकि मेरे वीडियोस मैक्सिमम 10-15 मिनट्स के ज्यादा के नहीं है, डिटेल वाले वीडियोस हमारे अलग है, तो अगर कोई चैप्टर लगता है आता ही नहीं है लेकिन आपको करना है तो वो डिटेल चेक कर लेना, अदरवाइज 10-15 मिनट्स वाले वीडियोस आप मेरे जाके चेकआउट कर सकते हो, तो वो आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो. फिर आता है क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक इज लाइक द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द ऑल ओवर रिवीजन. तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ये, सेकेंड स्टेप होना चाहिए आपका ये नोट्स, थर्ड स्टेप होना चाहिए ये, अदरवाइज ये ना उनका होना चाहिए जिन्होंने लिटरली बिल्कुल नहीं पढ़ा. जिन्होंने पढ़ा है तो पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखो फिर नोट्स देखो, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इन्होंने ये पढ़ाया है एंड ऐसे कंसेप्चुलाइज करना है. एंड लास्ट में आपका आता है जो आपका क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक लास्ट में इसीलिए क्योंकि फिर आप क्वेश्चन के आंसर ज्यादा बेटर तरीके से दे पाओगे, एंड सो ऑन. एंड मेक श्योर डोंट बी रिलायबल अपॉन द आंसर दैट दे प्रोवाइड यू द क्वेश्चन बैंक 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कभी भी इलेबोरेटेड नहीं देते हैं, वो सिर्फ की पॉइंट्स बता देते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है. कई बार क्वेश्चन बैंक में 1 मार्क क्वेश्चन भी गलत होते हैं. इनफैक्ट समथिंग दैट आई ऑल्सो मेड मिस्टेक एंड टू माई वेबसाइट नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए थे, 1 मार्क्स वाले में हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी 1-2 जगह पे, तो वो भी थोड़ा सा नोट करके चलना. तो अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन, एक बार चेक कर लो, रीचेक कर लो, एंड देन कम टू द कंफ्यूजन.
सो दैट्स इट. अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप वेयर यू कैन प्रोसीड अहेड. इसके बाद में एक आंसर राइटिंग वीडियो, मैथ क्वेश्चंस वगैरह वीडियोस ही ज्यादा हम करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा. डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू रिक्वायर एनी अदर काइंड ऑफ असिस्टेंट. एंड आप मुझे सिंपली टेक्स्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. आई थिंक ये बात मैं 2 से 3 बार बोल चुकी हूँ. सो वी आर स्किपिंग दिस पर्टिकुलर वन. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब. फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट मिलेंगे हमारे